तो गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपनी ससुराल यानी कि गांव वाले घर पे, बाबू के यानी कि मेरे हस्बैंड के घर पे। तो ये है मेरा रूम और आ गए हम रूम के अंदर जहाँ पे हम अपने हस्बैंड के साथ में शादी के बाद रहते थे इसी रूम में। और तो चलिए गाइस बने रहिए, चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस। तो यहाँ पे अनिका को लग गई भूख तो हम बिस्किट रख के लेके आए थे और गर्मी बहुत ही तेज़ थी वहाँ पे, कमरे के अंदर बिल्कुल भी रुका रुका सा नहीं जाता था। तो यहाँ पे अनिका को भूख लगी थी तो बिस्किट मैंने दे दिए हैं और अनिका बिस्किट खा लेंगी और फिर। तो गाइस प्लीज़ एंड तक बने रहना, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है और हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ क्या क्या हमने करा है। तो अनिका को बिस्किट खिलाने के बाद यहाँ नल पे ला के पानी पिला दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मेरी ससुराल में मुझसे या मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा घर था तो मैं गई घूमने के लिए और बस अपने आप से ही गई थी और अपने आप से ही ऐसे ही जैसे गई वैसे चली आई बस वहाँ से। और अनिका बच्चे को भूख लगी तो उसको मैंने बिस्किट तो दे ही दिया क्योंकि मैं ले के गई थी, मुझे पता था और कि अनिका को भूख लग सकती है। और पानी पिलाने के बाद इधर हम आ गए जिधर मतलब गांव में तो बोला जाता है इसे बग्गर, पर हम लोग तो इसे जैसे ये खेत है ना तो यहाँ पे इधर साइड में बच्चे खेल रहे हैं, हमारी ससुराल की जो भाषा में बोला जाता है वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे कभी हमारे हस्बैंड रहते थे और आते थे निकलते थे और सब मतलब ये कि रास्ता था, और कभी यहाँ पे बताते थे बहुत सारे पेड़ थे इस वजह से इसका नाम बग्गर रखा गया था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर पे और बड़ी मम्मी की लड़की आई हुई थी जिनके अभी छोटा सा बेबी हुआ है, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उसे, तो मैंने गोद ले लिया उसे, गोदी में खिला रही थी उसे, बहुत ही प्यारी बेटी है उनकी। तो मैं अभी जल्द में ही मामी भी बन गई हूँ। तो फिर हम इधर बग्गर साइड में आ गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और इधर ही हम प्लाट में जो है ना इधर पेड़ भी लगे हुए हैं तो हम इधर बैठेंगे और जितनी देर रुकना होगा रुकेंगे, क्योंकि आप वहाँ तो कोई हम लोगों से बात तो कर ही नहीं रहा है ससुराल में। और जैसे हमारी सास जो नंद है तो आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है मेरी ससुराल में, तो बस वही चीज़ है। तो इधर हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर। तो यहाँ पे हम लोग क्यों हंस रहे थे, तो एक जो भैया आए हुए हैं ना वो खास कर हमसे और अनिका से मिलने के लिए ही आए थे, तो ये गांव में ही रहते हैं और बाहर रहने लगे हैं, गांव मतलब लखनऊ में रहने लग गए हैं। तो यहाँ उन्होंने सुना कि हम आए हुए हैं तो हम इनकी आंटी लगते हैं, एक रिश्ता आंटी का है हमारा, तो वही हमसे मिलने के लिए आए थे कि आप आई तो मेरा मन किया कि मैं आपसे मिलूं। तो जब हम शादी करके गए थे तब मैंने इनको देखा था, उसके बाद से हम सेकेंड बार मिल रहे थे, और तो वही हमारे हस्बैंड की भी बातें हुई और बोल तो यहाँ पे वो टॉफ़ी दे रहे थे और अनिका को भी दिया, मुझे भी और पूजा को भी। तो बातें मतलब हम लोग कर रहे थे तो हंस रहे थे क्योंकि भैया जो थे ना बहुत मतलब हंस ऐसी बातें कर रहे थे कि उसमें हंसी आई जा रही थी। तो अभी भैया की बातें भी सुनना, और भैया का एक बेटा भी है तो बोला कि पैर छू लो आके, तो भैया ने पैर छुआ और बहुत ही अच्छा बेटा है उनका। और जब हमारी शादी होके हम मतलब गए थे ससुराल तब मैंने पहली बार देखा था, दोबारा मैं इस तरीके से मिल रही थी उनसे, तो वही सब बातें कर रहे थे कि कैसे हो कैसे नहीं। तो अनिका के यानी कि मेरे हस्बैंड के बारे में भी बातें हुई कि लास्ट टाइम हम कहाँ पे मिले थे, तो भैया बता रहे थे कि लास्ट टाइम जब वो वोट डालने आए थे तब हम लास्ट बार उनसे मिले थे, खूब देर तक हमारी बातें भी हुई थी। और ये नहीं सोचा था कि उसके एक हफ्ते बाद वो हमको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, तो वही सारी बातें फिर से याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम अकेले ऐसे खड़े हुए थे, अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी चलिए गाइस इस बातें सुनिए। ये हमारे यहाँ अति बड़ी बड़ी तो तुम आप बैठो, हाँ बिटिया बैठो
आओ दिखाते हैं आपको घुइयां हमारे यहाँ जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी घुइयां हैं, देखो भाई आओ आओ तनु खुरपी ले आओ भैया। हाँ देखो अनिका बिटिया इधर बैठो, बैठ जाओ अनिका, पर्स दे दो आपको, देखो घुइयां दिखाई देन गांव में यहां कैसी घुइयां, मैं घुइयां दिखाए तो देखिए बैठो निकल गई, इधर बैठो इधर सही से चेहरा तो आवे इधर, अभी खोल के दिखाओ जल्दी ले आ खुरपा, टाइम निकला जाते सब खोददारी देखी कुछ कहीं तो बताओ कौन सा घुइयां पेड़ खोदे बताओ नहीं का? कौन वाला खोदे बताओ, यह आपका भतीजा है हाँ खोदे कहने हम उखा रहे जाए नहीं मिले ऐसे खोदो भाई जल्दी ले आओ ऐसे ऐसे खाली ब्लॉक ही बना हां ये अरे एक घुइया में से निकालना है अरे एक घुइया बैठो तो इधर ताने बैठो ताने बताओ कौन है देखो हम घुइया खोद रहे हैं घुइया खोद के दिखाते हैं बोलो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घुइया बैठती हैं यही में तो घुइयो ना है यही में सही बात ना घुइया है बैठो देखो तो हिम्मत तो जरा ही नहीं कर रही है का बंद कर दे हमको ना तो बदलना मजा बना ही रही है भैया वहाँ गर्मी बहुत है निकाल देखो वह यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घुइयां हैं दूर से दूर एकदम बिरवा खोद दे पूरा ना यार मुड़ा उड़ा से वो कते है अरे लेकिन तो भी देव ऐसे तो ये हिम्मत है निकल रही मेरे दुनिया कहीं ना लगे तो ना हमारे मुंह दिखाई यही ना है सही बात है हैं बस और का यही घुइयां है देखो ये घुइयां इतनी बड़ी बड़ी हैं ये देखो रुकना रुकना एक मिनट भैया तोरा एक रुक जा तोरी ना है देखो यह है घुइयां ये यह देखो इतनी बड़ी बड़ी घुइयां है यह है घुइयां कहते हैं भैया गांवन में है कैसे बनी है ये बता दो यह पहले उबाली जी है कुकर में यहाँ उसके बाद घुइया छोल लीजिए है फिर ले जी होगा हाँ फिर का होगा छालो फिर का मां डारो तेल डारो फिर मां डारो कढ़ैया हाँ कढ़ैया में यहाँ टोपी दे टोपी टोपी दे यार तो बड़ा गर्मी होते हैं यहाँ तब यार लो गुइया एक गुइया में क्या हो गया एक गुइया में हम लोग डालेंगे कूड़ा ये मतलब एक सैंपल है यहाँ का गांव का जैसे देहात में गुइया बोई जाती है अनका सिंह लो अनिका सिंह बना दियो ये आपको गुइया गिफ्ट कर रहे हैं ये पकड़िया उधर चलो भाई ठीक अब यहाँ की भाषा भूल ले रहे हैं क्या बोला तुम लेडी फिंगर तो हमारे यहाँ का भिंडी बोला तुम तुम्हारी दिखाई भिंडी देखाओ
यह देखो तोरे देखा ना तनी बड़ी भिंडी हो हम लोग भी गिफ्ट करा जा लो यही देखो भिंडी देखो शहर वाले का खाए पिए भिंडी हाँ देखो देखो भिंडी और ये भिंडी देखो अमरूद या अमरुद पके ना लगे तो वहीं पके हो या कच्चे देखो इंग्लिश क्या बोलते हैं इंग्लिश मम्मी दाव है तुम्हारा ये अमरूद का पेड़ है अमरूद दिया पास आ जाए कहते हैं यहाँ केला कहाँ और हाँ हमारे गांव में देखो ये तो बनाना जिसको बोलते हैं केला लगे नहीं केला इसको बनाना बोलते हैं शहर में ठीक है गांव में बोलते हैं केला सड़ चुके हैं केला लेकिन इसमें भाई केला भी आया नहीं है दूसरे नहीं है वहाँ ये देखो जो है केला हमारे गांव में इससे लगे होते केला केला ना हम बनवा रहे तो इनका क्या होता है चलो और कुछ दिखाते हैं इनका खाया जाता है पका के मतलब शहर जाते हैं शहर में लोग खाते हैं इसको बनाना कहते हैं और आ गया वो क्या दिखाए नींबू कह रही है नींबू नींबू नहीं हम गुड़ाई करे जाते हैं ये हमारे गांव है भैया भाई है गांव भाई के खेत हम भाई है अरे भाई गांव खेत में है बिहार में तो कहा जाए तो ये हम ग्वाड़े आए हैं खुआदा यान खुआदा सही दे ऐसे ही मतलब खुदाई करे यहाँ ऊपर तुम देखे ना नीचे मोबाइल हुआ अनिका बिटिया इधर आओ देखो खुदाई हुई रही ना है इधर तो बताओ यहाँ उधर से है जंगल से है इधर का तो खोदो इधर का तो खोदो अभी आ रहे हैं तुम पाएंगे इधर खोद रहे इधर यहाँ से हाँ तो इधर खड़ी तो आए इधर सामने से खड़े हो आप उधर पूरी दुनिया बहुत डरे गए क्या बताइए हम सही खुद रहे कि नहीं तो खुद रही हैं भैया ने बोला आंटी मुझे आपके ब्लॉग में आना है तो थोड़ी देर हम बातें कर लेते हैं तो हमने कहा ठीक है तो थोड़ी बहुत मस्ती हुई वहीं पे फिर हम पुराने वाले मकान में भी थोड़ा टहलने के लिए आ गए इसके बाद हम चले जाएंगे घर और क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे गर्मी में और अकेले मतलब भैया ना आया होता ना तो बहुत बोरियत महसूस होती तो हम अपने घर के पास से ही निकल रहे थे तो शाम को ये 7 बजे का है टाइम और बच्चे देख सकते हो कितना खेल रहे हैं तो ऐसा होता है ना कोई अपना नहीं बोलता है लेकिन अपने से भी बड़ के लोग होते हैं जो आपको आपसे मिलने आते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं जैसे भैया ने मेरा करा और गाइस जैसे बाबू का नेचर था उसकी वजह से मुझे ये भैया से सम्मान मिला तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस लव यू